के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो मनीष जी के लिए क्या मांगिएगा? हम तो ईश्वर से कामना करते हैं, हम सबकी दुआएं मनीष जी के साथ है, और एक दिन देखिएगा हमारा मनीष हम सबके बीच में उसी अंदाज में उसी रूप में फिर से हम सबके बीच में आएंगे, यही हमारी ईश्वर से कामना है। मनीष जी का जो अंदाज था, बेबाक बोलना, सच दिखाना, वही सब हम लोग को पसंद आ गया है। तो आप वही काम दिखाने का जो है मनीष कश्यप ने किया, आप जैसे लोग कर रहे हैं, कहीं आपके साथ भी ऐसा लोग करने का जो है प्रयास करेंगे। अपना एक संदेश देना चाहते हैं, ऐसे पत्रकारों को बढ़ावा दें, आप जैसे पत्रकारों को बढ़ावा दें जो सच को जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। लोगों के लिए कुछ लोगों का कहना है कि मनीष जी जातिवाद करते हैं। कौन कहता है जातिवाद कहना, सच दिखा दे, जातिवाद करते हैं, धर्मवाद करते हैं। हमारे योगी जी के लिए लोग बहुत सालों ने देखा नहीं गया, इसके पहले कितने अत्याचार हुआ, सब कुछ हुआ, तब बोलने वाला कोई नहीं था। अच्छा, बोले योगी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए? योगी हमारी मांग नहीं है, आने वाले समय में मोदी जी के बाद जो नया चेहरा सबको दिख रहा है ना, वो हमारे बाबा जी ही हैं। तो बिहार सरकार कहाँ तक सही था? एकदम सरासर गलत है। हम तो बिहार की इस जनता से अपील करना चाहते हैं कि मनीष कश्यप जी के लिए वो तुरंत जो है सड़कों पे आ जाएं। अभी हम मौजूद है कच्ची कबरिया पथ के पास, और यहाँ पे कुछ बम है, और ये यहाँ पे बैठे हुए थे, और ये खास तौर पे मनीष कश्यप का सपोर्टर है, इसीलिए हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि मनीष कश्यप कैसा इंसान है, ये लोगों का कहना है। क्या सर आप तो बोले, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और रही बात मनीष कश्यप जी की, हम ही नहीं पूरा भारतवर्ष जानता उनके बारे में, वो कितने बेबाक तरीके से ये न्यूज आप सबका दिखाने काम करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी। आज तक उनका जितना न्यूज देखा गया है, सच के सिवा उन्होंने कभी झूठ नहीं दिखलाया है, और जो कुछ उनके साथ हुआ है वो निंदनीय है। और इस सरकार को हम कहना चाहते हैं कि ऐसे पत्रकारों के साथ जो ये कृत्य कर रहे हैं ये सब करना बंद कर दें। सबसे पहले सर बताइए आप हैं कहाँ से? मैं प्रतापगढ़ से रहता हूँ, यूपी से, यूपी प्रतापगढ़ से जी। तो मनीष कश्यप पे जो NSA लगाया गया कितना सही इसमें? एकदम गलत है, कौन नहीं जानता है, लाइव न्यूज गलत हो सकता है? आप लाइव है ना, आज जो कुछ मैं बोल रहा हूँ लाइव बोल रहा हूँ, ये गलत हो सकता है क्या? मनीष ने भी जो दिखाया लाइव दिखाया, उसको अगर दूसरी तरीके से उसको बदल करके लोगों के बीच में रखा गया, एडिटिंग किया गया, तो ये आपके इस सरकार की कहीं ना कहीं मिली भगत हुई होगी, नहीं तो मनीष कश्यप के बारे में कोई उंगली नहीं उठा सकता। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार से हमारा यही गुजारिश है, उनसे हम अपना एक संदेश देना चाहते हैं, ऐसे पत्रकारों को बढ़ावा दें, आप जैसे पत्रकारों को बढ़ावा दें जो सच को जनता तक पहुंचाने का। फौजी का बेटा है, उसका पिताजी बॉर्डर पे जाके ड्यूटी करते हैं और देश का रक्षा करते हैं, उसी के बेटा के ऊपर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और उसी को सोचिए, हम आपसे भी जानना चाहते हैं, आप बिहार के ही हैं, हम लोग तो मूल रूप से यूपी के हैं, लेकिन न्यूज ऐसे मीडिया ऐसी बात है कि सारी बातों को पूरे भारत पूरे विश्व पटल तक पहुंचाने कार्य करती है। तो आप बताइए मनीष जी के बारे में आप क्या कहते हैं, क्या आपको कहीं लगता है कि उनके अंदर कहीं कोई कमी थी, या उन्होंने कुछ झूठ दिखलाने का जो है वो किया? ऐसा तो कुछ नहीं लगता, बहुत अच्छे इंसान थे। लोगों के लिए कुछ लोगों का कहना है कि मनीष जी जातिवाद करते हैं। कौन कहता है जातिवाद कहना, सच दिखा दे, जातिवाद करते हैं, धर्मवाद करते हैं। हमारे योगी जी के लिए लोग बहुत सारे लोग कहते हैं, व्यंग मारते हैं, आज हमारे धर्म के प्रचार कर रहे हैं, हमारे धर्म के रक्षक आए हैं, पूर्वजों ने देखा नहीं गया, इसके पहले कितने अत्याचार हुआ, सब कुछ हुआ, तब बोलने वाला कोई नहीं था। अच्छा, यूपी में जो योगी जी है जी, किस तरह का कार्य करते हैं? योगी जी का कार्य तो पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है, बच्चा बच्चा जैसे मोदी जी को जानता है वैसे हमारे योगी जी जानता है, जहाँ मोदी जी का नाम आता है वहाँ योगी जी का नाम आता है। अच्छा, बोले योगी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए? योगी हमारी मांग नहीं है, आने वाले समय में मोदी जी के बाद जो नया चेहरा सबको दिख रहा है ना, वो हमारे बाबा जी ही हैं। तो बिहार सरकार जो नीतीश कुमार जी हैं, वो मतलब चुनाव लड़ेंगे, प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ेंगे? ख्वाब देखना और सपने पूरे करना ये दो अलग विषय है, जनता जानती है, जनता पहचानती है तो इनकी क्या नीतियां हैं। मनीष कश्यप पर जो NSA लगा दिए हैं, वो उस पे क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा विस्तार रूप से बता दीजिए। हम NSA लगाना कहां तक सही था? एकदम सरासर गलत है। हम तो बिहार की इस जनता से अपील करना चाहते हैं कि मनीष कश्यप जी के लिए वो तुरंत जो है सड़कों पे आ जाएं। ऐसे बेबाक वक्ताओं की जरूरत है, ऐसे युवाओं की जरूरत है जो सच को दिखला रहा है, झूठ को दबा रहा है, झूठों को जो है एकदम कुचल रहा है, ऐसे इंसानों के बारे में दिखला दे रहा है जो जनता आज तक जानती नहीं थी। मनीष कश्यप के सपोर्टर थे, और जो मनीष कश्यप के सपोर्टर जो रोड पे उतर जाते हैं उस पे केस हो जाता है, उसका भाई पे भी केस कर दिया गया, पता आपको? मुझे पता है केस कर दिया जाता है,
यही तो है ना। तो ये आपके सरकार की देन है, आपके नीतीश सरकार की देन है कि जो ऐसे बीमार वक्ताओं को दबाने का कार्य कर रहे हैं, उनको उठाने का काम करना चाहिए। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, हमारी संदेश वहां तक जानी चाहिए। जो निशांत वर्मा है जो गुजरात के हैं, मनीष कश्यप पे केस तो किए हैं, उसके जितने भी सपोर्टर हैं उसके लिए उसके या तो उसका भाई है, सब पे केस कर रहे हैं, सब पे। हम तो कहेंगे सरकार उनकी जांच करवा लेना, काहे जांच नहीं करवाती है। किसी के कहने से कोई दोषी हो जाता है, किसी के एक बार आवेदन से कोई जो निर्दोष व्यक्ति दोषी ठहरा दिया जाएगा, काहे नहीं सीबीआई की जांच बैठाती है। वीडियो एडिट किया गया कि वीडियो सही था, क्या मनीष जी ने दिखलाया, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। सरासर इससे जाहिर होता है कि मनीष जी को फंसाने का कार्य हो रहा है। तो ऐसे भी बिहारियों को बाहर में मारा जाता है, सब लोग जानता है। कौन? मोदी जी के सरकार में, योगी बाबा के इस दरबार में कहीं किसी के ऊपर अत्याचार नहीं हो सकता। मजदूरों के साथ होता है सर, मजदूरों के साथ होता है, वही काम दिखाने का जो मनीष कश्यप ने किया, आप जैसे लोग कर रहे हैं, कहीं आपके साथ भी ऐसा लोग करने का जो है प्रयास करेंगे, आप भी सच दिखाने का प्रयास करेंगे। ये तो सरकार की कुरीतियां हैं। देखिए सर, सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी है, सरकार की कमजोरी है। क्या कहना चाहेंगे मनीष कश्यप के बारे में? मनीष कश्यप ने हमारा जैसे बिहार में एक एक नाला दिखाया था, उनका पर्दाफाश किया था, इसलिए उनको फंसाया गया था। क्या कहना चाहेंगे सर मनीष कश्यप के बारे में? योगी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? योगी जी तुम्हारे बाद जिंदगी। वो यहाँ पे और कुछ छोड़ बार जोड़ते, हर हर मोदी, हर हर योगी, हर हर मोदी, हर हर योगी। आप लोग भोलेनाथ के प्रति आस्था रखते हैं और भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो मनीष जी के लिए क्या मांगिएगा? हम तो ईश्वर से कामना करते हैं, हम सबकी दुआएं मनीष जी के साथ है, और एक दिन देखिएगा हमारा मनीष हम सबके बीच में उसी अंदाज में उसी रूप में फिर से हम सबके बीच में आएंगे, यही हमारी ईश्वर से कामना है। मैं प्रतापगढ़ जिले से हूं जो कि यूपी में पड़ता है, और प्रतापगढ़ के बारे में आप सब जानते होंगे। इस वीडियो को मनीष कश्यप जब बाहर आएंगे तो देखेंगे, क्या कहना चाहेंगे मनीष कश्यप के लिए? कहना क्या है, बस यही उम्मीद है, यही सरकार से गुजारिश फिर बार बार कर रहे हैं। मनीष कश्यप से आप मिले हैं? हम यूपी के रहने वाले हैं, और हो सकता है अगर ईश्वर चाहें कभी मुलाकात भी हो जाएगी। बस मनीष जी का जो अंदाज था, बेबाक बोलना, सच दिखाना, वही सब हम लोग को पसंद आ गया है। तो आप देखें कि मनीष जी के सपोर्टर थे और मनीष जी के बारे में क्या सोचते हैं, हमने उनको दिखाया, तो आप क्या सोचते हैं मनीष जी के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।